आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इन शासकों को उनके राजवंशों के अनुसार इस क्रम में लगाएं, मौर्य, कुषाण, मुगल और चोल। अरेंज दीज रूलर्स बाय मैचिंग देम टू देयर डायनेस्टीज इन दिस ऑर्डर, मौर्य, कुषाण, मुगल और चोल। और आपका समय शुरू होता है अब। ये रहे सबसे पहले ए, राजा राज प्रथम, बी शाहजहां, सी कनिष्क और अंत में डी सम्राट अशोक। ये है आपके ऑप्शंस। समय समाप्त हो गया, आ गया, देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सबसे पहले डी सम्राट अशोक, फिर आए सी कनिष्क, फिर आए बी शाहजहां और अंत में राजा राज प्रथम, राजा राज द फर्स्ट। ये है सही क्रम। डीसी बी ए, इसी क्रम में देखते हैं किनके लोगों ने सही जवाब दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय अनन्या, अनन्या गालियां बजती रहे अनन्या के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको अनन्या जी। थैंक यू सो मच। माँ का आशीर्वाद मिल गया है आपको और हम उम्मीद करते हैं आज आप खेल में भी बहुत अच्छा खेलेंगे। थैंक यू सर। और शीट पर आ गए हैं अनन्या विनोद, बेंगलुरु कर्नाटक से हैं और आपका नाम मैं ठीक से बोल रहा हूँ कि नहीं? ये बताइए सर, आपके मुँह से तो कुछ भी आप बोलिए बहुत ही अच्छा लगता है। सर मैं आपसे एक बात बोल सकती हूँ? जब आप आए थे लाइक जैसे आपने सेट में आपने एंट्री की, आपकी जो प्रेसेंस है ना सर, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं आपके बगल में ही मैं खड़ी रहूँ, आपकी जो प्रेसेंस है इतनी अच्छी लगती है, पता नहीं एक अलग ही माहौल बन जाता है जब भी आप आते हैं। अच्छा ये सब बोल के झूठ मूठ बातें जो है, अरे सर ऐसे ऐसे आप प्लीज मत बोलिए। इतना बोल करके हम आपको आसान सा प्रश्न नहीं देने वाले हैं। ऑलराइट अनन्या जी, आप फिर क्या कर रहे हैं यहाँ? सर मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और सर आप प्लीज जी मत डालिए, आप मुझे अनन्या बुलाइए क्योंकि मैं 20 वर्ष की हूँ। नहीं अनन्या जी, मैं जी जरूर लगाऊ। आप हमारी मेहमान है इस घर की, तो मेहमान जो होता है वो हमारे अतिथि देवो भवा, देवता की तरह होता है ना? ये हो गया। दूसरा आप एक महिला हैं, तीसरा आप खूबसूरत हैं, तो इसलिए जी तो लगाना पड़ेगा। सर आपसे सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सर, आपने मेरा दिन बना दिया। साथ में आप अपनी माता जी को लाइए और उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनन्या जी आपने बताया नहीं कि आप कर क्या रही हैं, आपने कहा कि आप कुछ पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। यस सर, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, अभी मेरा थर्ड ईयर है और इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस और मैं स्पेशलाइज कर रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में। बड़ा आश्चर्य होता है कि एआई की वजह से क्या क्या आजकल हो रहा है और क्या क्या बन रहा है, तो एक बात की खुशी है मुझे कि जो भविष्य में होने वाला है, जो फ्यूचर है, उससे आपने अपने आप को संबंधित कर लिया। बहुत अच्छा लगता है अनन्या जी आपको देख करके, आप मुस्कुराती रहती हैं, आपकी माता जी को देखा हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जीवन में जो हमेशा मुस्कुराती रहती, इसी तरह आप मुस्कुराती रहें अपने sir. जीवन भर जहाँ कहीं भी आप जाएँ। अनन्या जी आपका ध्यान अब आ जाए खेल के ऊपर, इसके लिए आप यहाँ आ जाई हैं, खेल के नियम तो आप जानती हैं। कौन बनेगा करोड़पति?
अनन्या जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। आपकी माता जी का भी आशीर्वाद आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से क्या शर्ट का एक हिस्सा है? विच ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ शर्ट्स? ए क्राउन, बी सोल, सी कॉलर या डी वाइजर। क्राउन, सोल, कॉलर या वाइजर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी कॉलर। ऑप्शन सी कॉलर पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए? जी बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने, 1000 जीत गए। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 11 के वर्ग में कितने एक होते हैं? हाउ मेनी वंस आर देयर इन 11 स्क्वायर? ए 5, बी 6, सी 2, डी 4। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी 2, क्योंकि 121 है इसका आंसर। ऑलराइट, सो सी 2 पे कह रहे हैं। 5, 6, 2, 4 कह रहे हैं सी पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया 11 स्क्वायर ऑफ 121। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ऑलराइट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है इसलिए मैथ्स आपका काफी अच्छा है। सॉरी सर, ये जो मैं जो मुझे मिला है वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो हम सबको पता है ये जो हम हफ्ता मना रहे हैं नवरात्रि है जी। और इससे और भी बड़ा त्योहार जो है वो अक्टूबर 11th को है, फ्राइडे आपका बर्थडे। तो सर आपको मैं विश कर सकती हूँ हैप्पी बर्थडे? नहीं, मेरे ही अंदाज में मुझे आपके लिए विश करना था, और मैंने आपके लिए एक रैप लिखा है सर। तो ऑलराइट, सुनाइए रैप। ओके लेट्स गो, ऑन 3, 2, 1। साथ हिंदुस्तानी से छोटी सी शुरुआत, जंजीर के बाद हर जुबापे एक ही बात, बने वो शहंशाह रिश्तों में सबके बाप। नाम है बिग बी, बच के रहिए आप। बच्चन बच्चन जरा साइड से चलो, बच्चन बच्चन जरा देख के चलो, बच्चन बच्चन सिर्फ एक ही है वो, बच्चन बच्चन एंग्री यंग मैन है वो। अमिताभ का नाम हर एक दिल में बसा है, उनके बिना केबीसी का अधूरा कैसा है। पर्सनालिटी उनकी कातिल, आवाज में है दम, बर्थडे है 82, उम्र में लगते हैं वो कम। बच्चन बच्चन जरा साइड से चलो, बच्चन बच्चन जरा देख के चलो, बच्चन बच्चन सिर्फ एक ही है वो, बच्चन बच्चन एंग्री यंग मैन नहीं, बड़े स्वीट है वो। जहां भी खड़े वहीं से शुरू हुई लाइन, इतना नाम कमाया ऑटोग्राफ बनी साइन, थिएटर्स हुए हाउसफुल, ना देखा किसी ने ख्वाब। धन्यवाद भगवान, आपने दिया हमें अमिताभ। बच्चन बच्चन जरा साइड से चलो, बच्चन बच्चन जरा देख के चलो, बच्चन बच्चन सिर्फ एक ही है वो, बच्चन बच्चन एंग्री यंग मैन नहीं, सबके रोल मॉडल है वो। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बढ़िया। बहुत तारीफ कर दी आपने हमारी, और हमारी कला की तारीफ कर दी आपने। आज तक हमने ये कला नहीं सीखी, जब आप जैसे हमारे सामने बैठ करके इस तरह का रैप गाती हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए हमको अभी तक नहीं पता। वो कलागिरी हमें नहीं आती है। ऑलराइट ऑलराइट अनन्या जी, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको, और सब लोगों ने बहुत ही सहयोग दिया। इसको मुझे दीजिएगा, ये जो आपने लिखा है इसको मुझे दे दीजिएगा। जी सर, मैं इसको रखूंगा अपने पास। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऑलराइट अनन्या जी, आपका ध्यान अब आ जाए खेल के ऊपर। दो प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, तीसरा प्रश्न आ रहा है 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा। चित्र में दिख रहे जानवर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द एनिमल इन दिस इमेज? आप पहले इमेज देख लीजिए, फिर उसके बाद विकल्प रखूंगा आपके सामने। ये ए इट क्लाइम्स ट्रीज, बी इट हंट्स एनिमल्स, सी इट ब्रीड्स अंडर वाटर, डी इट इज इन द कैट फैमिली। ये पेड़ों पर चढ़ता है, ये जानवरों को शिकार करता है, ये पानी के भीतर सांस लेता है, या ये बिल्ली परिवार से है? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इट ब्रीथ्स अंडर वाटर।
सी पे कह रहे हैं धारा लगाने को. यस इट्स द राइट आंसर. वेल डन. ऑलराइट अनिरा जी आगे चलते हैं. चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने. रेडी. 5,000 रुपीज. फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ. एलिवेटर, ट्रांसफॉर्मर, एस्केलेटर और ऑसिलेटर में से इनमें से कितनों से लोग निचली से ऊपरी मंजिल जा सकते हैं? आउट ऑफ एलिवेटर, ट्रांसफॉर्मर, एस्केलेटर एंड ऑसिलेटर, हाउ मेनी आर यूज्ड टू मूव बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग? ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी ओनली थ्री, और इज इट डी ऑल फोर? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार. सर इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो. केवल दो पे कह रहे हैं धन लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. ऑलराइट, आ गया है पांचवा प्रश्न. खेल का पहला पड़ाव. 10,000 रुपए पार कर जाइए इसे और उसके बाद आएगा आपके सामने सुपर सवाल. पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यतः पेशेवर नेटवर्किंग की जाती है? विच ऑफ दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इज प्राइमरली यूज्ड फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग? ए इंस्टाग्राम, बी फेसबुक, सी एक्स, डी लिंक्डइन. सर इसमें मेरा अकाउंट भी है. इट्स ऑप्शन डी लिंक्डइन. लिंक्डइन. यस. डी पे थाल लगाने के लिए कह रहे हैं. यस इज द राइट आंसर. वेल डन. पांच प्रश्नों का सही उत्तर हो गया. बहुत बहुत बधाई आपको. थैंक यू सर. अनन्या जी आजकल की जो पीढ़ी है ना वो बहुत ही सक्रिय है सोशल मीडिया पर. आप भी वैसे ही हैं क्या? सर एक्चुअली सोशल मीडिया ऐसा है कि कनेक्ट तो कर सकते हैं, नेटवर्किंग होता है इसमें, बट साथ ही साथ एडिक्शन हो जाता है. लेकिन मैं एक अच्छी बच्ची हूँ, मैं उसमें नहीं करती ज़्यादा नहीं. तो सर आप भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते या करते होंगे, और पेपराजी भी आपके पीछे है तो फिर वो भी कुछ ना कुछ पोस्ट करते होंगे आपके बारे में. मैं बाहर जाता ही नहीं हूँ. सर लेकिन कुछ तो फोटोज है जो बहुत ही आपके ना बहुत कैची है, और मैं जानना चाहती हूँ कि तब आप कर क्या रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे ना अलग ही टाइप के फोटोज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो अगर हो सकता है तो आप फोटो दिखा सकते. फोटो दिखाएंगे कि हम कर क्या सर. बहुत ही एक डेयरिंग सा एक फोटो है सर. और ये बिल्कुल रियल शॉट है. ये उस जमाने में है जब हाँ ये हमारे जमाने में जितना एक्शन होता था उसमें हार्नेस वार्नेस नहीं होता था जी. खुद ही कूदना पड़ता था और 20 फुट 30 फुट से जंप करना, और ना करें तो ऐसा लगता था नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, तो कूद जाते थे. ये जो है या तो नटवर लाल से है या 2 और 2 5 से है, और आप हमारे चेहरे से आप देख रहे होंगे कि बहुत डरे हुए हैं, हम चीख रहे हैं. और चीख इसलिए रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि वो सीन है. हम चीख इसलिए रहे हैं, हमारे दिमाग में चल रहा है तो कूद तो रहे हैं हम 30 फुट से, न जाने कौन सी हड्डी टूटेगी, कहाँ पर गिरेंगे हम, क्या होगा. अच्छा ये आ गया एक और. ये उस जमाने की बात है जब शोज वगैरह जो होते हैं ना बाहर जाते हैं आर्टिस्ट शोज करने, उस जमाने में एक तरह से अब कहने में बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन इसकी पहल हमने की थी, जाके आर्टिस्ट एक्चुअली बाहर जाएं और हम खुद परफॉर्म करते थे, गाना वाना हम खुद ही गाते थे ऑर्केस्ट्रा के साथ, और ये पहली बार हुआ था ये. तो ये हाँ ये बहुत हैंडसम लग रहा है सर. ये न्यूयॉर्क की फोटोग्राफ है. ओके. और ये मैडिसन स्क्वायर गार्डन जो कि बहुत ही विख्यात एक थिएटर है वहां पर, उसके सामने थे और पीछे लिखा भी हुआ है लाइव टुनाइट. वहां पर मेरा परफॉर्मेंस होने वाला था तो ये फोटो ली गई थी, थोड़ा प्रचार करने के लिए दी गई थी कि थोड़ा लोग भाग आए. ये बताइए ये एक ऐसे ही इश्तिहार का समय था, कोई
गाना होना बज रहा था इश्तिहार का, तो हमने ये इश्तिहार में नहीं था, ये हमको ऐसे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए डांस वांस। तो ऐसे ही हम खिलवाड़ कर रहे थे। सर हम क्या है, ये कुर्सी पर बैठे बैठे थक गए थे तो यॉन कर रहे थे, या कर रहे थे या दिखा रहे थे कि हमारा अंगूठा टूट गया है, असली में टूटा हुआ, इसीलिए हम ये जूता पहनते हैं इस तरह का, तो उंगली टूट गई थी वो बता रहे हैं। लेकिन एक बात तो है सर, आप कैसे भी किसी भी एंगल से अगर आपका फोटो लिया जाए किसी भी समय, आप हमेशा फोटोजेनिक और हमेशा कैरिस्मेटिक ही दिखते हैं। That's for sure, sir. अभी एक बाजा बजेगा और सुपर सवाल आएगा। थोड़ा ढंग जी, ये संकेत है सुपर सवाल का, जैसा कि आप जानते हैं सुपर सवाल आ गया है आपके सामने। एक प्रश्न आएगा कंप्यूटर के द्वारा, उसका उत्तर आपको देना होगा, कोई विकल्प नहीं होंगे, कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे, एंड देयर इज नो टाइम लिमिट। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, अनन्या जी के लिए सुपर सवाल पेश किया जाए। दिल धड़कने दो और गली बॉय फिल्मों का निर्देशन किसने किया है? हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म्स दिल धड़कने दो एंड गली बॉय? सर मुझे ज्यादा डायरेक्टर्स के बारे में पता नहीं है, हालांकि मैंने दोनों फिल्म्स जो है मैंने देखी है, लेकिन देखी है आपने दोनों फिल्म जी, तो आपको मालूम होना चाहिए जब क्रेडिट्स आते हैं तो उस पर बहुत जोर से आता है नाम निर्देशक का। मुझे इसका उत्तर सच में पता नहीं है सर। कोई एक गेस कीजिए, वाइल्ड गेस, क्या लगता है आपको? आई थिंक सिद्धार्थ आनंद। सिद्धार्थ आनंद, सिद्धार्थ आनंद कह रही हैं, इसको लॉक किया जाए। इट्स रॉन्ग, ज़ोया अख्तर। ज़ोया अख्तर निर्देशिका थी इसकी। ज़ोया अख्तर जावेद अख्तर साहब की बेटी, फरहान अख्तर की बहन, गली बॉय और दिल धड़कने दो बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने निर्देशन किया था। ऑलराइट, क्योंकि आपने सुपर सवाल का सही उत्तर नहीं दिया इसलिए आपको दुगना से शक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन खेल जो है आपका जिंदा है और आगे बढ़िए। आएगा छठा प्रश्न, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। छठा प्रश्न, 20,000 रुपये, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। केरल के राज्य चिन्ह में इनमें से कौन सा पशु चित्रित है? Which of these animals is depicted in the state emblem of Kerala? A. Elephant, B. Rhinoceros, C. Tiger, D. Camel. हाथी, गेंडा, बाघ या ऊंट? सर इसका आंसर ए होना चाहिए, एलिफेंट। सो प्लीज लॉक ऑप्शन ए, एलिफेंट। हाथी, ए, एलिफेंट कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। केरल के राज्य चिन्ह में दो हाथी होते हैं और एक शंख बना हुआ है इसका, इसमें अशोक सिंह स्तंभ भी है। ऑलराइट, छह प्रश्न हो गए, सातवां प्रश्न आएगा आपके सामने, 40,000 रुपए। सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये एक इमेज प्रश्न है अनन्या जी, इस छवि में इनमें से कौन सी वैज्ञानिक घटना को दर्शाया गया है? Which of these scientific phenomena is best demonstrated in this image? See the image, please. Okay. Yeah? Yes, sir. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, ए एब्जॉर्प्शन, बी रिफ्रैक्शन, सी पोलराइजेशन, और इज इट डी एब्जॉर्प्शन? ए अधिशोषण, बी अपवर्तन, सी ध्रुवीकरण, डी अवशोषण।
सर ये जो है एक प्रिज्म का इमेज है जिससे एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो रही है. सो इसका आंसर है ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन. बी पता लगाने के लिए कह रही है अनन्या जी. कंप्यूटर महाशय बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. रिफ्रैक्शन इंडेक्स में अंतर के कारण प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करते और बाहर निकलते समय ये मुड़ता प्रिज्म. ओके, आठवां प्रश्न आएगा आपके सामने. मूल्य है इसका 80,000 रुपए. आठवां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ২০২৪ में किस राज्य के विधानसभा चुनाव के बाद टीडीपी वहां की सबसे बड़ी पार्टी बन गई. टीडीपी बिकेम द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन विच स्टेट आफ्टर द असेंबली इलेक्शन इन द ईयर 2024. ऑप्शन देखिए. ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश. टीडीपी जानते हैं क्या है? सर अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली. सोच लीजिए, आपके पास अगर समझ नहीं आ रहा तो 3 लाइफलाइन है. तो मैं लाइफलाइन. ऑलराइट, शांत हो जाइए. टिक टिक जी, कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल. ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दें. ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और जवाब दीजिए इसका. और आपका समय शुरू होता है अब. डी आंध्र प्रदेश 72%. 72%. क्या कीजिएगा? मैं आंध्र प्रदेश को लॉक करना चाहती हूँ. डीप कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट. आंध्र प्रदेश विधानसभा में तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी इज तेलुगु देशम पार्टी. तेलुगु देशम 135 सीटें उन्होंने जीती थी 175 में से. टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी. अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न रन्या जी. ये है 160,000 रुपए का. नवा प्रश्न 160,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से कौन सा रेगिस्तान पूरी तरह से एक ही देश की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित है? Which of these deserts lies entirely within the geographical boundary of one country? Options A. Sahara, B. Great Victoria, C. R. or is it D. Kalahari? One country. So, मुझे थार और सहारा में डाउट हो रहा है, लेकिन I don't want to take a chance. So, lifeline, sir. All right, lifeline. शांत हो जाइए. टिक टिकी. Video call a friend. Double dip. दो lifeline. So, video call a friend. Okay. वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन लेंगी. इसको अंकित कर दिया जाए और जो आपने 3 नाम दिए थे उनमें से आपको किसी एक को चुनना होगा. हम वीडियो कॉल लगा देंगे. ये है वो 3 नाम, सुमित यादव, बुर्री अंकिया, अर्जुना एसा. सर सुमित यादव. सुमित राज यादव. ऑलराइट जी, सुमित यादव जी को फोन लगाया जाए. ये परिवार के हैं, मित्र हैं, मेरे कॉलेज फ्रेंड है, सीनियर है. साथ में पढ़ रहे हैं आपके? नहीं सर, सीनियर है. तो अभी यूपी में है और सिविल सर्विसेज. सुमित यादव जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ. नमस्कार सर, 14 सालों की तपस्या पूरी हो गई है. सभी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को भगवान की कृपा से, कालपी वासियों की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम पहुँचे सर. बहुत बहुत धन्यवाद सर. जितने भी आपने पहले खिताब लगा दिए थे उसमें हमको बिल्कुल विश्वास नहीं है. बहरहाल केवल नाम से बुला लिया कीजिए. सुमित जी, सर आप सदी के महानायक हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं सर आप. अरे सर, सुमित जी हमारे सामने अनन्या जी बैठी है हॉट सीट पर और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग. पहुंच गई. हाँ जी जी. तो एक ये प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे. ये इनकी आवाज में वो प्रश्न पढ़ेंगे और 45 सेकंड मिलते हैं आपको केवल उसका उत्तर देने के लिए. अनन्या आपका समय शुरू होता है अब. सुमित जी, जियोग्राफी की क्वेश्चन है. जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ विच ऑफ दीज डेजर्ट्स लाइज ओनली इन वन कंट्री.
केवल एक ही देश सहारा थार ग्रेट विक्टोरिया कालाहारी एक ही देश में है ये डेजर्ट कौन सा है जल्दी ग्रेट विक्टोरिया कालाहारी सहारा थार ग्रेट विक्टोरिया या कालाहारी जल्दी 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 कालाहारी सहारा आपको क्या लगता है जल्दी जल्दी और कौन कौन सी हैं सहारा थार ग्रेट विक्टोरिया इंडिया जल्दी सहारा अफ्रीका अब घड़ी चल पड़ी आपको उत्तर देना पड़ेगा आप क्विट कर सकते हैं अगर आप श्योर ना हो तो मैं डबल डिप का मैं यूज करना चाहती हूं शांत हो जाइए डबल डिप एक और लेंगे ये लाइफलाइन है डबल डिप की इसको अंकित कर दिया जाए अनन्या जी अब आप गेम क्विट नहीं कर सकती हैं और आपको दो अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए तो पहला उत्तर बताइए सर ए सहारा ए सहारा पे ताला लगा जाए नहीं ये गलत है जी सर ऑप्शन डी कालाहारी डी कालाहारी पे ताला लगाया जाए नहीं अनन्या जी ये भी गलत हो गया दी आंसर इज ग्रेट विक्टोरिया ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है पूरी सीमा के अंदर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है कालाहारी तो जगह जगह पर पहुंचता है इसी तरह थार भी एक ही जगह नहीं है सहारा भी एक ही देश में नहीं है फैला हुआ है अलग अलग देशों में है कि नहीं ऑलराइट द ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान पूरी तरह से ये ऑस्ट्रेलिया में है अच्छा खासा जीत रहे थी आप नीचे गिर जाएंगे आप 10,000 पे और ये 10,000 हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में डिजिटली तालियां बज जाए इनके लिए आपका नाम आ गया अकाउंट नंबर आ गया इसमें ट्रांसफर नाउ दबाएंगे 10,000 कर देंगे ओके करेंगे कंफर्म करेंगे और ये 10,000 रुपये पहुँच गए आपके बैंक अकाउंट ऑलराइट बहुत बहुत बधाई आपको अनन्या जी आपकी शिक्षा जो है इसी तरह आगे बढ़ती रहे थैंक यू सो मच अनन्या बहुत बहुत बधाई आपको एंड अब आपसे हम विदाई लेंगे हमारी शुभकामनाएं आपके साथ थैंक यू सो मच कमा फिर जाए Thank you.